शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसान वही है जो इंसान के काम आए। मगर भाई, आप हैं कौन? दुनिया में आप जैसे इंसान बहुत कम है। हम एक मुसाफिर हैं बाबा, पता लगाते रहते हैं कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं। मगर हमने तो आपको पहली बार देखा है, आप कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बाबा, लोग उसी को याद करते हैं जो लोगों का काम करता है। लेकिन भाई, गरीबों का कौन साथी है? अमीरों के दोस्त तो सभी हैं। अमीर तो हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, दुख दर्द में शरीक होना तो बहुत दूर की बात है। बाबा, जिस दिन से अमीर लोग गरीबों के दुख दर्द में शरीक होना शुरू हो जाए, उसी दिन से गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। ठीक कहते हो भाई, खुदा आपको खुश रखे। हमारी दुआ है कि आप बादशाह बन जाएं। खुशामदीद, खुशामदीद मेरे सहनशाह। कैसी हो पीछे मालो, हमारी हुकूमत में खुश तो हो? बस, हम तो आपको देखते ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आज आप बहुत दिनों के बाद में आए हैं, वो भी एक नया रूप बदल कर। खैर, आप चाहे कितना ही रूप बदलिए, लेकिन बीज मालो की आंखें आपको पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती मेरे सहनशाह। इन आंखों में तो आप बस चुके हैं। हाँ, रिया या शायद आपको जरूर पहचानने में धोखा खा सकती है, लेकिन ये पीज मालों की आंखें नहीं। और हाँ, ये देखिए, आपकी बख्शीश में दिया हुआ अंगूठी का ताबीज हमारे गले में आज तक है। हम तो रोज आपका इंतजार करते रहते हैं मेरे शहंशाह। बीच मालो, आप यूं ही बातें करती रहोगी या अपने हाथ का लजीज खाना भी खिलाओगी? पिछली बार आपके हाथ का खाना आज तक याद है। बस आलम बना, थोड़ी देर लगेगी, अभी हम आपके लिए लजीज खाना तैयार कर देते हैं, बस खा करके ही जाइएगा। अच्छा भी जमालो, आप खाना तैयार कर लें, हम बाजार होकर आते हैं, रियाया की खैर खबर भी मालूम कर लें। हाँ आलम बना, हम तो आपको मुबारकबाद देना ही भूल गए। आपने राजपूत शहजादी जोधाबाई से शादी करके तो सबकी आंखें ही खोल दी। शुक्रिया बीजमालो, हम जो कुछ भी करते हैं रियाया के मेल मिलाप के लिए करते हैं। अच्छा, हम जल्दी लौट आते हैं। ज्यादा हंसोगे तो फंस जाओगे, आदमी को हंसने या फंसने के बीच में रहना चाहिए। बस 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 बस, ज्यादा हंसोगे तो फंस जाओगे, आदमी को हंसने या फंसने के बीच में रहना चाहिए।
चलिए मैं आपको दूसरा किस्सा सुनाता हूँ, एक सेठ का किस्सा। सेठ बहुत रईस था लेकिन बड़ा कंजूस, मक्खी चूस, यानी दाल में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को निकाल कर उसे चूस कर खा जाए। तो सुनो, 90 साल की उम्र में सेठ जी बीमार पड़े, हकीम और वैद्य बुलाए गए। उन्होंने भी हालत देखकर बता दिया कि सेठ जी पर रात भर के मेहमान हैं। सेठ जी खटिया पर आ गए, कराहने लगे, हमारा बड़ा लड़का कहाँ है? तो सेठानी बोली, अरे आपके सिरहाने तो खड़ा है, आप बस आराम कीजिए ना। सेठ जी को आराम कहाँ, बोले हमारा मंझला लड़का कहाँ है? तो सेठानी बोली, आप चुप रहिए, आप बीमार हैं, आपका मंझला लड़का भी आपके सिरहाने खड़ा है। सेठ जी को आराम कहाँ, वो कराहते हुए बोले, अरे हमारा छोटा लड़का कहाँ है? सेठानी बोली, अरे वो भी घर में आपके लिए दवा हुआ पीस रहा होगा, सब यहीं, आप चिंता मत कीजिए। बस सेठ जी तड़प कर बोले, अरे मूर्खो, सब यही हो तो दुकान पर कौन है? अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद बैठना। जैसे तैसे करके रात बीती, सुबह हुई, सांसें गिनी जा रही थी, लेकिन सेठ जी के लड़के भी अपने पिता की सच्ची संतान थे। आपस में राय करने लगे कि पिताजी की शव यात्रा कैसे निकाली जाए। बड़े लड़के ने कहा, शहर भर की बग्गियां मंगा ली जाएंगी और उन्हीं पर पिताजी की शव यात्रा निकाली जाएगी। तो मंझले ने कहा, ना भैया, इसमें तो बड़ा खर्चा होगा, हम अपने दुकान के ठेले पर ही पिताजी की शव यात्रा निकाल देंगे। सबसे छोटे ने कहा, नहीं, इससे दुकान का ठेला पवित्र हो जाएगा, हुकूमत की तरफ से ठेले मिलते हैं, बस चुप मजदूरी देनी पड़ती है। मजदूरी के नाम पर सेठ तड़प के उठ बैठा और कहने लगा, सब खर्चे की बात सोचते हो, आमदनी की कोई नहीं सोचता, लाओ हमारा जूता लाओ, हम खुद जूता पहन के शमशान घाट चले चलते। बस 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 बस, ज्यादा हंसोगे तो फंस जाओगे। महाराज, आप तो बड़े विद्वान मालूम होते हैं, आपको तो अकबर बादशाह के दरबार में होना चाहिए। हाँ अकबर, अरे वही अकबर ना, जिसकी हमने आमेर में शादी कराई थी, राजा बिहारी मल की बेटी राजकुमारी जोधाबाई से। राजा बिहारी मल तो बिना हमसे पूछे कोई काम नहीं करते हैं, और अकबर, अरे उसका बाप हुमायूं तो हमारा आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाता था। अरे उसको तो नक्षत्रों का ज्ञान हमने दिया है भाई। महाराज, आप तो बड़ी पहुंच के आदमी मालूम होते हैं। हाँ भाई हाँ, अकबर का दादा बाबर तो हमारे ही कहने पे हिंदुस्तान आया था, वरना उसकी मजाल थी कि इस तरफ का रुख भी करता। अब कोहिनूर हीरा जिसने बाबर की किस्मत चमकाई, हम ही ने तो उसे दिया था भाई। घर में लड़के गेंद बना के खेलते रहते थे। तो बाबर ने तो वो हीरा हुमायूं को दे दिया। अब पता नहीं हुमायूं ने अकबर को दिया कि नहीं दिया, कहीं मिलेगा अकबर तो पूछ लेंगे। महाराज, बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पेट बड़ा पापी है, जो कुछ नहीं कहना होता वो भी कहना पड़ता है, जो कुछ नहीं करना होता वो भी करना पड़ता है। हम तो सिर्फ जनता को हंसाने आए हैं, जो चेहरा कभी नहीं हंसता वो बड़ा पापी होता है। हम तो भैया इस जनता के ओठों पर बस मुस्कुराहट चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं,
जनता खुश होगी तो खेत हरे होंगे, खलिहान भरे होंगे। दुखी जनता किसी देश का कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए भैया हम तो सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जब जब जैसे जैसे मौका मिले हंस लिया करो, इसमें कौन सा खर्चा होता है। बस ज्यादा हंसोगे तो फंस जाओगे, आदमी को हंसने और फंसने के बीच में रहना चाहिए। अगर आप बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच जाए तो उनके दरबार में चार चांद लग जाएंगे। हाँ भाई, अकबर बादशाह के दान पुण्य की तो हमने बहुत सी बातें सुनी है, और ये भी सुना है कि वो भेष बदल कर जनता के बीच में भी जाते हैं। तो अपन तो रमता जोगी हैं, किस्मत में रहा तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। चलिए हम आपको बादशाह सलामत से मिलाते हैं। इनको देखिए, ये हमको अकबर बादशाह से मिलवाएंगे। अरे जिस कुएं का पानी पिए हो उसी में भांग पड़ी है क्या। महाराज आप कुछ भी कहें मगर हम आपको अकबर बादशाह से मिला सकते हैं। अरे भाई क्यों पीछे पड़े हो, क्या खेत से सीधे ही चले आ रहे हो। अकबर बादशाह के महल से तुम्हारा क्या ताल्लुक। महाराज हम उनके तख्त ताज की रक्षा करते हैं। अच्छा तो भांग गांजा और अफीम तीनों साथ खाए हुए हो। ये बताओ महल में तुम पेड़ सींचते हो, खाना बनाते हो, हाथियों की देखभाल करते हो। बस 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 बस, ज्यादा मत हंसो नहीं तो फंस जाओगे। आदमी को हंसने और फंसने के बीच में रहना चाहिए। महाराज आप जो भी सोचिए, हमने तो बता दिया है कि हम क्या करते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अरे रुको, अरे रुको भाई, चलता हूँ, हो सकता है तुमसे ही कुछ सीखने को मिल जाए। अरे रुको किसान भाई, अरे सुनो मैं आ रहा हूँ किसान भाई, रुको रुको। अरे रुको छो। ओ किसान भाई सुनो तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो। हो सकता है तुम सच ही बोल रहे हो, लेकिन हमें बादशाह से नहीं मिलवा पाए तो हमारा क्या बिगाड़ोगे, खुद ही झूठे साबित होगे। तो क्या बन, बन, मैं झूठा लगता हूँ। नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस। ठीक है, शहंशाह से मिलने से पहले क्यों ना कुछ खा लिया जाए, सफर बहुत लंबा है। हाँ हाँ सफर बहुत लंबा है, खा ही लिया जाए। लावे रोटियां गर्मा गर्म। यहाँ नहीं, अंदर चल के खाते हैं, आइए अंदर चलते हैं। तशरीफ रखिए। अरे वाह किसान भाई, ये ठाट बाट, ये सफाई और ये दस्तरखान, खाना। आप बैठिए ना। जी हाँ हम भी बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए बीज मानो। एक बात है किसान भाई, आप चाहे हमें बादशाह से न मिलवा सको लेकिन हो बड़े कमाल के आदमी। आप इनको जानती हैं? हाँ अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं। अच्छा अक्सर आया जाया करते हैं। आप लोग भी खाइए ना, शर्म मत कीजिए। हम भी खा लेते हैं। यहाँ के बाद किसान भाई हमको बादशाह से मिलवाने ले जाएंगे। अच्छा आपने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि आप शहंशाह के पहचान के हैं। बीजे मालो हम आपको भी शहंशाह से मिलवा देंगे।
जब इतना बढ़िया खाना खिला सकते हैं तो बादशाह से मिलाने में किसान भाई को कौन दिक्कत हो सकती है? बीजवालो, अब तो महाराज को शहंशाह से मिलना नहीं पड़ेगा, क्यों? हाँ, जरूर मिलवाइए। हाँ, जरूर बादशाह से मिलवा देंगे, पहले खाना तो खा लें। महाराज, आपका नाम क्या है? महेशदास उर्फ बीरबल। हमें तो बीरबल ही अच्छा लग रहा है, हम तो आपको बीरबल ही कहेंगे। कह लीजिए महाराज, नाम में क्या रखा है? दुनिया तो काम देखती है, लोग काम तो रावण का करते हैं, नाम राम रख लेते हैं। अच्छा बीरबल, आप इतने काबिल और समझदार होकर ये गधे की सवारी क्यों करते हो? समझदार हूँ तभी तो गधे पर सवारी करता हूँ। क्या मतलब? घोड़े पर सवारी करने वाले क्या बेवकूफ होते हैं? नहीं नहीं किसान भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर क्या था? घुड़सवारी करने के लिए सिर्फ समझदारी होना जरूरी नहीं है, अच्छा सवार भी होना चाहिए। घोड़ा तो धनवानों की सवारी है, हम गरीबों की तो ये गधा ही सवारी है। बेचारा हमारे साथ साथ हमारी गरीबी को भी ढोता है। लेकिन लोग कहते हैं कि अपने मतलब के लिए लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। अच्छा किसान भाई, तुम बहुत तेज हो, हमारे बारे में सब कुछ पूछ लिया और अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। क्या जानना चाहते हो बीरबल? तुम्हारा नाम क्या है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन तो बड़ा अच्छा नाम है, शायद बादशाह सलामत का भी नाम यही है ना? अच्छा तुम्हारे पिता का क्या नाम है? हुमायूं। बेटा जलालुद्दीन, बाप हुमायूं। अब अपने दादा का नाम बाबर मैं बता देता। इत्तिफाक से बिरबल, हमारे दादा का नाम भी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ही है। वाह किसान भाई वाह, अरे हम तो सारी दुनिया को चराते हैं, तुम हम ही को चराने निकले, अरे हमसे नहीं जीत पाओगे। जलालुद्दीन, हुमायूं, बाबर, ऐसा संयोग कहीं हो सकता है? ऐसा ही संयोग है बीरबल, वरना कहां हम और कहां अकबर बादशाह। वाह किसान भाई वाह, तुम्हारे सहारे हम महल के दरवाजे तक आ गए, अब देखें कहां कहां तक तुम्हारा साथ लिए जाता है। हाँ देखेंगे। अरे सिपाही, ये पकड़ेंगे तुमने? ठहरिए, कौन है आप लोग? ये महल का सदर दरवाजा है, बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वैसे इस वक्त यहाँ सरदार यहिया खान को मौजूद होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ, हम लोग बादशाह सलामत से मुलाकात करना चाहते हैं। ये किसान भाई हमें बादशाह सलामत से मिलवाने के लिए आए हैं, हम अपने आप नहीं आए, हमारी कोई गलती नहीं है, ये किसान भाई ने हमको फंसाया है। जब तुम इनको नहीं पहचान रहे हो तो हमारी क्या औकात है? तुमने सबका ठेका ले रखा है। बड़ी डींगे मारते। देखिए अकबर बादशाह से मिलवाएंगे। रुकिए, आप कहीं मत जाइए, हम अभी आए। अजी हाँ, अकबर बादशाह से मिलवाएंगे। और से देखो मना रहा है सबको, अकबर बादशाह बड़ी फुर्सत से है ना कि इनसे मिलेंगे। सुनिए सुनिए, आप अंदर तशरीफ ले जाइए। हमने क्या किया? अरे किसान भाई कहाँ गया? वो अंदर गए हैं, आप चलिए। अंदर गए जी। सुनो सुनो, कुछ लगाए हो क्या? नहीं नहीं, पहले तो अंदर नहीं जाने दे रहे थे, अब जाने दे रहे हो? हाँ चलिए। अंदर चले गए जी जी। हाँ आप चिंता ना करें, आपको भी अंदर बुला लेंगे। अच्छा ये आम रास्ता है? नहीं नहीं। तो अंदर कैसे चले गए? तुम यहाँ पहरा देते हो जी? अगर बादशाह के सिपाही हो जी, ये पहरा देते हो, किसी को भी अंदर जाने देते हो?
रही जना,